आगे हम लोग 6.4 पे पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो चलिए पहले आप फिगर ही क्यों नहीं बना लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी सी है और दूसरा आपका कितना है डी ई एफ है। चलिए इसका नाम देते हैं, ये आपका त्रिभुज होगा ए बी सी और दूसरा है आपका डी ई एफ, ठीक है। समरूप दिया है, ठीक है, यहां दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में कि ये त्रिभुज जो है समरूप है। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, समरूप है। और क्या करें, इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं क्रमशः, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ये आपका पी क्यू डी ई एफ DEF कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर होगा, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, कभी स्क्वायर हो नहीं सकता, लंबाई है ना भुजा की। EF दिया है आपके पास 15.4 सेंटीमीटर, तो BC निकालना है, तो सिंपल सी बात है। चलिए, तो आपके पास EF भी दिया है, EF बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर, आपको तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या, आपको ज्ञात करना है BC क्या होगा, ठीक है, BC को फाइंड आउट करना है। तो आप यहां लिखेंगे हल, ठीक है, इसमें साबित नहीं करना है, यहां हल निकालना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, DEF के ये दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप प्रमेय यहां लिख दीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या आ जाएगा। तो हमें देखिए, आपके पास दो ही भुजा से मतलब, एक BC निकालना है और EF दिया है, तो यही ना संगत भुजा हो जाएंगी, BC बटा में EF का स्क्वायर, तो ये ना BC बटा EF का स्क्वायर। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया 64 और इसका 121, तो यहां लिखेंगे 64 बटा में 121 बराबर में BC और बटा में 15.4, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। इसको यहां से देखेंगे तो ये 8 का है और ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या 8 बटा 11 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए। चलिए, दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं, ये आके इधर गुना में, यानी कि 8 बटा में 11 और गुना में 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका BC। देखिए, 11 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 11 एकम 11 और 11 44, 1.4, समझ गए, इंटू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आपका BC का लंबाई आ जाएगा। समझ में आया, चलिए अगला।